हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन टुडे गाइड। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 दिसंबर को आपको कौन से स्टॉक्स में बाय या सेल करके चलना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक कैसा रह सकता है। सो गाइस, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज कौन से स्टॉक्स आपको बाय या सेल करने हैं, उसमें था येस बैंक बाय, कैनरा बैंक सेल, NMDC बाय, MCX बाय और LTI सेल। सो गाइस, उसमें से हमारा जो येस बैंक था उसने आउट परफॉर्म करा और हमारा जो टारगेट था वो अचीव होते हुए दिख गया था। कैनरा बैंक का ना हमारा टारगेट अचीव हुआ था, ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। LTI की अगर हम बात करते हैं तो हमारा LTI में भी हमारा टारगेट अचीव हो गया था, शुरुआत में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया था। अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर हमने LTI में लगाया होता तो आप प्रॉफिट में रहते, क्योंकि LTI में जिस बाय प्राइस पे ही था उसी बाय प्राइस पे वो ओपन हुआ था और वहां से हमें अच्छे खासे टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए थे। अगर हम बात करते हैं NMDC के बारे में तो NMDC का हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, पर अगर आपने उसी करंट लेवल पे बाय करा होता जिस लेवल पे मैंने आपको बोला था तो वहां पर आप प्रॉफिट पे ही निकलते। अगर मार्केट बंद होती तो अगर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती तब भी आप प्रॉफिट पे ही निकलते, क्योंकि NMDC ऊपर ही बंद हुआ है और वो अपने स्टॉप लॉस के आसपास नहीं गया है। MCX की बात करें तो MCX में हमने देखा था कि हमारे फर्स्ट टारगेट के पास वो खुला और वहां से वापस नीचे गिरना शुरू हो गया था, तो MCX पे तो ट्रेड नहीं बन पाया होगा आप लोगों का। अगर बना होगा तो उसका आपको लॉस हुआ होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो गाइस, अब जैसा मैंने आपको बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, पूरा चार्ट से A to Z समझा दिया था कि निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मूवमेंट क्या रहने वाली है, किस तरीके से बिहेव करेगा, उसी तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को बिहेव करते हुए देख रहे हैं। तो अगर आपने वो मेरी 3 दिसंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसे। इस पर मैं आपको सिर्फ वो रेंज बताऊंगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो हम बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। 5 स्टॉक जो मैं आपके लिए चुन के लाया वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैकडॉनल्ड्स, जेट एयरवेज, NIIT टेक और टाटा एलेक्सी। ये कुछ मैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स चुन के लाया हूँ कल के ट्रेड के लिए। ये मैं कह सकता हूँ कुछ तरीके के रिस्की ट्रेड्स भी मैं कह सकता हूँ। अब हम बढ़ते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, तो मैं आपको बाय करने की सलाह दूंगा। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1825 है। जिस तरीके से हमने देखा था आधे घंटे के अंदर अंदर इसने बहुत ज़्यादा अच्छी मूव दे दी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चलने लग गया था। तो अब मुझे लगता है इसमें जो पहले अगर हम बात करते हैं आधा घंटा या 2 बजे से पहले की बात करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स में अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए थे, पर उसके बाद जब हम देखा 2 बजे के बाद कि बायर्स ही बायर्स आते रहे और आखिरी में ये एक बायर का सपोर्ट लेकर ही बंद हुआ है। सो गाइस, 1825 पे ये बंद हुआ है, तो अगर ये आपको 1810 के आसपास या 1815 के आसपास मिलता है कल, अगर डिप आती है तो आप इसको ज़रूर बाय करिएगा। स्टॉप लॉस आपके सामने है, टारगेट आपको 1836 1852 का आराम से मिल सकता है बाय द एंड ऑफ द डे इन द हिंदुस्तान यूनिलीवर। गाइस, अब हम बढ़ते हैं मैकडॉनल्ड्स पे। मैकडॉनल्ड्स पे हमने देखा था कि बहुत अच्छी खासी हमें मूव आते हुए दिखी थी। मैंने आपके लिए एक वीडियो सुबह और बनाई है जिसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बताई हैं दिसंबर सीरीज के लिए, उसमें एक मैकडॉनल्ड्स भी ऐड है। तो मैकडॉनल्ड्स में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सा पुट और या कौन सा कॉल हमें बाय या सेल करके चलना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, तो उसे जाके आप चेक जरूर करिएगा, जिससे आप इस दिसंबर की एक्सपायरी में बहुत सारा फायदा कमा सके। तो मैकडॉनल्ड्स में हमें बाय करने की सलाह दी जाएगी 676-690 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 653 का मेंटेन करके रखना है। गाइस, इसने एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था परसों के सेशन में, उसके बाद आज हमने देखा था कि एक गिरावट आई, गिरावट भी इन द सेंस हम सकते हैं कि 10 पॉइंट की फॉल आई थी, उसके बाद वो भी रिकवर कर गया था। तो गाइस, 669 पे बंद हुआ है। इसका जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनते हुए आ रहा है वो 655 का आ रहा है। सो गाइस, अगर आपको कल ये मार्केट में 655 के आसपास भी मिलता है तो भी आप इस मैकडॉनल्ड्स को 2 या 3 दिन के लिए होल्डिंग के लिए बाय करके चल सकते हैं, जिसमें आपको ये 690 तक का भी टारगेट एक्सपेक्ट करा के दे सकता है। और गाइस, इसमें मैंने जो आपको कॉल ऑप्शन दी हुई है वो कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय करी होती मेरे वीडियो देखते ही तो आप अभी भी प्रॉफिट में रहे होते हैं। जेट एवेज की बात करें तो जेट एवेज में मैं आपको सेल करने की ही सलाह दूंगा। जिस तरीके से देख रहे हैं जेट एवेज बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया था न्यूज़ की वजह से, उसके बाद एक साइडवेज चला गया। साइडवेज जाने का सीन ये है कि अब इसमें मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टाइम गिरावट आ सकती है, तो अगर आप इसे 2 या 3 दिन के पर्पज से होल्ड करके रखते हैं और सेल करके रखते हैं तो ये आपको 290 तक के या 287 तक के लेवल्स भी आने वाले टाइम में दे सकती है। तो 313 के आप इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, 301-295 तक का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर 1-2 दिन से ज़्यादा इसमें अपनी पोजीशंस ना बनाइए, क्योंकि न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मूव भी दे सकता है और ये 400 के लेवल तक भी जा सकता है गाइस। तो ये एक काउंटर बेट लेकर चल रहे हैं अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
एनआईटी टेक की बात करें तो उसमें आपको मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 1104 का इसमें करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट आप 111 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1121 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1093 का मेंटेन करके रखना है। टाटा एलेक्सी सेल करने की सलाह आपको दी जाएगी, टारगेट जो आपको मिल सकता है 1024 का मिल सकता है, 1016 का। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है 1048 का मेंटेन करके रखना है। जिस तरीके से हमने देखा था टाटा एलेक्सी में बहुत अच्छी मूव आ रही थी, आईटी सेक्टर में मूव आना स्टार्ट हो गई थी, पर अब ये कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है। और जिस तरीके से हमने देखा था मार्केट में कि टाटा एलेक्सी ऊपर की तरफ खुला था फिर नीचे की तरफ जाके इसने अपनी क्लोजिंग दिया, तो ऊपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो ये फेस कर रहा है और अब शायद ये 2-3 दिन के अंदर वापस एक फॉल दिखा सकता है। सो गाइस टाटा एलेक्सी को सेल करने की सलाह दी जाएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको अपने चार्ट्स में पहले ही समझा दिया था कल के चार्ट्स में, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ रेंज दिख रही होगी, इसी रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। जिस रेंज के ऊपर ये तोड़ेगा वो चार्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन से लेवल्स टेस्ट होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी की जो रेंज है 26,600 और 27,075 की है। सो गाइस बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर आपको चार्ट्स देखने हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में, जो आपके मैं 3 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूँ कॉल और पुट की, जो आपको दिसंबर सीरीज में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। इस वीडियो के एंड में भी वो आपको वीडियो शो कर जाएगी, तो ज़रूर उसे जाके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, चार्ट्स की नॉलेज चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसकी फुल टू नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।